नमस्कार सर। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग और नमस्कार, सलाम अलैकुम। चूंकि ये जो मंच है नेहरू मंच है और हमारे गांव के बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं, जैसे राहुल जी हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, और कुछ लड़का लोग हैं, और कल लेट नाइट हमने एक रेस्क्यू किया है सांप, तो इन लोगों का क्वेश्चन है कि मुबारकदा, सांप में मनी होता है क्या? तो आज साथियों मनी हम दिखलाएंगे, सांपों का मनी होता है। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है इंसान को तो उसका नाम है मनी। मनी मनी मतलब सांप का मनी, सांप में मनी होता है, यह हम भी जानते हैं। आज हम 40 साल से सांपों का बचाने का अभियान में जुड़ चुके हैं और इतना बड़ा छतरी फेना हुड वाला सांप यहां है कि कल रात को लेट नाइट लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमने वीडियो नहीं बना पाया। आप सर कहां से है? टाटा लोह नगरी, टाटा से एक प्रशंसक है ये भैया हमारे, पंचित से है, शुभ नाम बताइए। शिवाजी इनका होटल है, लॉकडाउन में बेचारा थोड़ा मायूस है, क्योंकि इनका होटल नहीं, चारों तरफ होटल ही होटल बंद है, इसलिए आपको मायूस नहीं होना है, फिर से जिंदगी एक नई रफ्तार ले लेगी। ऐसा नहीं है कि लाइफ भर कोरोना रहेगा, दिसंबर तक वैक्सीन आ जाएगा, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो है राहुल जी, जो एक माने महान संगीतकार हैं। आपका चैनल का नाम बताइए। बीएम प्रोडक्शन बोल के यूट्यूब में चैनल है। और साथियों आइए हम इस मंच पर सबसे बेहतरीन चीज सांपों का मनी बाहर करके दिखलाएंगे, लेकिन वीडियो का आखिरी तक बनिएगा, क्योंकि वाकई में आज सांप का मनी निकलेगा, क्योंकि हमारे पास मनी निकालने के लिए नया छुरी भी हमने खरीद लिया है, क्योंकि हम ब्लेड से चीरेंगे और मनी बाहर करके दिखला देंगे। देखिए किस तरह सांप का मनी निकालते हैं। देखिए यही है कोबरा, वो भी स्पेक्टिकल कोबरा, इतना बड़ा साइज, लगभग कुछ भी नहीं होगा तो 15-17 साल का ये पुराना कोबरा होगा। इसकी आवाज से रूह कांप जा रही है। आज मनी इसके माथे से हम निकाल करके दिखलाएंगे, देख रहे हैं ना, गर्मी ज्यादा है और मनी भी हमें निकालना है, तो देखा जाए मनी निकलता है या नहीं। थोड़ा सा शांत होने दीजिए, फिर हम चाहेंगे मनी बाहर करके दिखलाना। देखिए पूरा काटने का मुद्रा में है, यानी ये डसना चाहता है। हिंदी में इसे गेहुअन, क्योंकि गेहूं कलर का है इसलिए गेहुअन। इंग्लिश में खास करके इसका एक इंग्लिश नेम है स्पेक्टिकल कोबरा, और बंगला में इसको हम लोग खरीस, बंगला में गोखुरा कहते हैं, देख रहे ना। ये पूरा माने ये जो मुद्रा है इस पर हम लोग पढ़ाई करते हैं, इस मुद्रा में क्या है, ये डसने का मन बनाया हुआ है, यानी काटना चाहता है हमें। देखिए कितना बड़ा हुड है इसका, फेना है, उस हुड का बीच से मनी बाहर होगा, लेकिन कैसे बाहर होगा इसके लिए वीडियो ऑन तक आपको देखना है। देखा जाए मनी बाहर होता है कि नहीं। चलिए हमारा प्रयास है अब लोगों को बैकूफ ना बना के मनी बाहर करना। जितना भी सांप होता है उसका क्या होता है, ये माथे के बीचों बीच लोग कहते हैं, खास करके सपेरे लोग कहते हैं, कि उसको ब्लेड से अगर चीर दिया जाए, छुरी से अगर फाड़ दिया जाए तो वहां से एक मनी निकलता है। तो चलिए ब्लैक स्टोन वहां से निकलता है या नहीं ये भी हम देखना चाहते हैं, लेकिन मेरा अर्थ को आप लोग मत दोहराइएगा, आप लोग मनी कभी मत निकालिएगा, नहीं तो काटने से मौत निश्चित है, मरना होगा आपको, क्योंकि
कि इसके बाइट से लोग बचते नहीं है। चलिए मनी बाहर करने का प्रक्रिया अब शुरू किया जाए। ध्यान से देखिए, ऊपर से कैमरा डालिए, यह है छुरी, ठीक है, और ये छुरी अगर यहां से अगर हम चीर दें, यहां से देख रहे हैं ना, यहां से सपेरे लोग चीरते हैं, आके सामने से देखिए, सपेरे लोग क्या करते हैं, ये छुरी से यहां चीर देते हैं। चीरने के बाद यकीन कीजिए, चूंकि हम साइंस को मानते हैं, सपेरे लोग चीर करके ये ब्लैक स्टोन लगा के घुसा करके फेविक्विक से साट देते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार, ये छुरी है यहां इधर 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 आ पाइए, ये छुरी है, यहां से चीरता है सांप का, क्या होता है इस जगह को ब्लेड मार देते हैं, ब्लेड मार के छुरी से, और स्टोन होता है ये ब्लैक स्टोन, वहां डाल दिया जाता है, कहां, इसी जगह पर, देखिए यहां डाल करके फेविक्विक से लगा दिया। अब वो सांप को क्या किया, बहुत बड़ा बड़ा पुराना गांव जहां अंधविश्वासी लोग रहता है, वहां सांप लेके जाता है और बोलता है कि देखिए सांप के माथे से हम मनी बाहर कर देंगे। अरे बाबा, काम कीजिएगा तो मनी मिलेगा, हमारे शिवा भैया इधर आइए, ये बेचारा का होटल आज 3 महीना से बंद है, चुपचाप साइलेंट है, होटल चलेगा और लोग भोजन करेंगे तब तो शिवा भैया का 2 रोटी चना सब्जी भात बिकेगा, इतना इजी है कि मनी मिल जाएगा, बिल्कुल अंधविश्वास है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, सांपों का मनी होता ही नहीं है, लेकिन होता है जहां पढ़ाई लिखाई का कमी है, अंधविश्वास हावी है, वहां सांपों का मनी होता है। सांप का कोई मनी उनी नहीं है, कोई जड़ी नहीं है, कोई ताबीज नहीं है। और इधर आइए, आप आइए, एक दादा आ रहे हैं, मनी है उसका दादा, इधर आइए, थोड़ा सा गमछा हटाइए, ये क्या है, मनी पहने हुए हैं, नजर गुजर नहीं लगेगा, इतना बड़ा साला 1 अरब 35 करोड़ का पॉपुलेशन में इसी को ही नजर लग रहा, तो थोड़ा सा आप लोग हटिए, इसको फिर से छोड़ेंगे हम। इसलिए साथियों, मनी उनी होता नहीं है, और ऊपर से वीडियो लीजिए, देखिए सांपों का मनी, साक्षात नाग के माथे पर मनी, ऊपर से एकदम सॉलिड ऊपर से लोगों को दिखलाइए, यही है मनी का रहस्य। अब हम अगर छुरी लेकर जाएंगे तो मेरा मौत निश्चित है, क्योंकि मेरा हाथ का वो गर्मी जीभ से महसूस कर लेगा, झपट पड़ेगा, झपटते ही हमें बचना है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और अगर मरना है तो ओझागुनी का घर जाना, कोई उपाय नहीं। इसलिए साथियों, एक टाइम मत खाइए, अपना बेटा बेटी को खास करके स्कूल में कॉलेज में पढ़ाने का प्रयास कीजिए, ये सांप स्वस्थ है, जिंदा है, थोड़ा सा भी अगर हरकत हुआ, अभी वो वाइब्रेशन को महसूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम स्टैचू हो चुके हैं, हम थोड़ा सा चलेंगे या टोपी को जहां उठाया कि वो मनी कहां जो गिरेगा, छुरी किधर जो फेंकाएगा, ये भी हमको नहीं मालूम है। देख लीजिए कैसे वो सांप पर फोकस ज्यादा किया जाए, वो जिंदा है, स्वस्थ है, और आज ही से हम प्राकृतिक परिवेश में रिलीज कर देंगे। देखिए मनी है सांप का, साक्षात जमराज है, क्या है, जमराज है। अब गांववासी क्या करते हैं, अंधविश्वासी लोग, अब ये वाला सपेरा से खरीद लिया है, ये क्या है, मोहरी है, सपेरा से खरीद लिया है, 1,500-2,000-5,000 में गला में टांग रहा है, लगता है वो IPS अफसर बन जाएगा, गला में टांग लेने से हो सकता है डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल अंधविश्वास है। यही है असली सच्चाई, मनी का असली सच्चाई रहस्य यही है। सपेरे लोग माथा को चीर कर
बेचारा को अधमरा कर देते हैं, चीर करके स्टोन को डालना, फेविक्विक से साट देना और लोगों को बैकूफ बना बना करके सिर्फ और सिर्फ पैसा लेना। पढ़ाई लिखाई से मनी कमा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से नौकरी मिल सकती है आपको, लेकिन साथियों मनी होता नहीं है सांपों का। कोई कहता है 100 साल अगर जिंदा रहता है सांप तो मनी निकलता है, यह भी बिल्कुल फेक है। सांप का आयु, मेरा एज ज्यादा दिन तक नहीं है, 50 साल हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा 10-20 साल हम बचेंगे, वो भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम जोखिम भरा काम करते हैं। कब मेरा बाइट हो जाए और कब हम ऊपर चले जाए, कब मेरा भोज हो जाएगा, यह भी समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए साथियों सांप काट ले, ओझा गुनी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहे, और नहीं तो साथियों मारा जाइएगा, कोई उपाय नहीं है। जितना मनी ले जाइएगा, ताबीज ले जाइएगा, उतना ही डसने खोजेगा, तुरंत काट लेगा। ये मेरा कंट्रोल में नहीं है तो आपका कंट्रोल में कैसे आएगा? आज ही इसे हम प्राकृतिक परिवेश में रिलीज कर देंगे। कोई भाई का कोई तरह का क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कुछ जिज्ञेस कर बार अच्छे थोड़ा। हम मंच पर चाहेंगे कि हमारा छोटा भाई इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम आपने बताया था? राहुल धीवर। राहुल धीवर, अपना चैनल का नाम बताइए। बीएन प्रोडक्शन। बीएन प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल है जिसमें संगीत से जुड़ा बहुत सारा बढ़िया हिंदी बंगला भाषा भाषी गाना आपको मिलेगा। साथियों छोटा भाई का थोड़ा मदद कीजिए, हमारा घर का बच्चा है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक मूर्तिकार है, बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते हैं, हमारे यहाँ भी स्टैचू बनाए हैं, और सिर्फ उसमें ये जान नहीं डाल सकते हैं, अगर इनके बस में होता तो उस मूर्ति को जिंदा कर देता, तो ऐसा है नहीं। बहुत बढ़िया ये कलाकार है और पंचेत में हमारे बाजू में बांदा बस्ती में रहते हैं, हमें गर्व है पंचेत वासियों पर। और यही है वो पंचेत डैम, देखिए इस डैम पर लॉकडाउन होने के कारण अब भीड़ भाड़ नहीं है, और ये जो जगह जहां हम हैं ये जगह 6 दिसंबर 1959, ध्यान से सुनिएगा, सारा लोग यहां आता है देखने के लिए, किसी को पता ही नहीं है कि डैम का उद्घाटन क्या हुआ। अभी आप डिस्प्ले बोर्ड में जाकर के देखिए, 6 दिसंबर 1959 को देश का पहला प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से इस डैम का यहीं से उद्घाटन हुआ था, यहीं से ही सारा सिस्टम था, बटन दबा गया और डैम धड़धड़ा करके उठा, पानी सीधे वेस्ट बंगाल में जाने लगा। वही जलाशय है, इसी नेहरू मंच पर हम आए हुए हैं, ये नेहरू मंच है, ये हमारा नहीं है, ये दामोदर वैली कारपोरेशन DVC का बना हुआ है। तो साथियों इन्हीं साथ शब्दों के साथ एक बार फिर से कोशिश करेंगे, जय हिंद जय भारत, और मनी के चक्कर में ना रहे, समय ना गवाएं, पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा भरोसा करें, पढ़ाई लिखाई करें, मनी ऑटोमेटिक मिलेगा। जय हिंद जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम।